दोस्तों अभी हम चल रहे हैं रानी के सपनों का महल, जो रानी लक्ष्मीबाई के सपनों का महल है। ये तो किला है, यहाँ पे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार हो गया तब रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से निकल के चली गई। यहाँ पास में एक महल है उनका बनाया गया है, उनका बनाया नहीं गया मतलब किसी और ने बनाया है, उसमें वो रहती थी और कुछ साल तक उसमें वो रही। बाकी इसको छोड़ने के बाद जब यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार हो गया तो इसको यहाँ से वो छोड़ दी थी, वहाँ पे चली गई थी। तो चलते हैं वहाँ पे, आपको वहाँ दिखाते हैं। और वहाँ यहाँ से सभी लोग यहाँ घूमने के बाद वही सब जाते हैं, घूमते हैं, उसके बाद हम भी चलते हैं, आपको वहाँ का दिखाते हैं कि कैसा है वहाँ का महल। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों यह है रानी लक्ष्मीबाई का महल, आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है। इस महल का निर्माण नेवालकर वंश के रघुनाथ द्वितीय 1769 से 96 ईस्वी ने कराया था। रानी लक्ष्मीबाई ने इस महल को अपने निवास स्थल के रूप में प्रयुक्त किया। 1857 की क्रांति के समय इसे काफ़ी क्षति पहुँची। यह महल 2 मंजिला है और इसमें एक चौकोर प्रांगण है। चलते हैं देखते हैं बाकी, अंदर की तरफ दिखाते हैं आपको क्या क्या है। ये आप देख सकते हैं ये इसका एंट्री गेट है, इसमें अंदर एंट्री करते हैं। अभी चलते हैं अंदर की तरफ। दोस्तों 25 रुपये टिकट है यहाँ का घूमने का। अभी हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ का सीन। दोस्तों यही है रानी लक्ष्मीबाई के सपनों का महल, आप देख सकते हैं ये है सपनों का महल। इसी में रानी जब किला छोड़ी थी, महारानी रानी लक्ष्मीबाई जब किला छोड़ी थी तो इसी महल में आकर रह रही थी। तो आपको दिखा दे रहे हैं इस महल को। और दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ एक बीच में एक कुआं है और ये 2 फव्वारे लगे हैं यहाँ और उस साइड में। और बाकी ये महल देखिए, और यहाँ पर फूल के पौधे लगे हैं और भी। और दोस्तों यहाँ पे कई सारी मूर्तियाँ रखी गई हैं पुराने समय के, ये सब खुदाई के समय निकले गए मूर्तियाँ हैं जो यहाँ पे रखी गई हैं। लेकिन ये नीचे की तरफ है, अब ये ऊपर की तरफ चलते हैं, दिखाते हैं ऊपर की तरफ क्या क्या है। ऊपर अभी चलते हैं, ये नीचे आप देख लीजिए ये सब किस तरह इसको बनाया गया था पुराने समय में, किस तरह सजाया गया था, आप देख सकते हैं। इसकी कलाकृति अद्भुत है, अद्भुत कलाकृति है। ये देखिए किस तरह सजाया गया है, इसको बनाया गया है। और दोस्तों आप यहाँ भी देखिए, काफ़ी अच्छी तरह से ये मूर्तियाँ सजाई गई है। और ये देखिए किसकी मूर्तियाँ हो सकती है, आप अंदाज लगाइए। ये लग रहा है गौतम बुद्ध जी की मूर्तियाँ हैं। और अभी चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं। ये सब है दोस्तों नीचे की तरफ, यही सब रखा गया है नीचे की तरफ। और हम अभी ऊपर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम ऊपर की तरफ चलते हैं और ऊपर दिखाते हैं क्या क्या है ऊपर की तरफ। तो ये देखिए आप ऊपर की तरफ, ये है काफ़ी अच्छा हवा लग रहा है, आ रहा है ऊपर। ये देखिए इस तरह कुछ है ऊपर की तरफ, पुरानी पुरानी तस्वीरें लगाई गई है और यहाँ भी लगाई गई है। ये देखिए इसकी कलाकृति देखिए कितनी सुंदर और अद्भुत कलाकृति है। तो दोस्तों अभी चलते हैं और आगे की तरफ। ये भी देखिए कितने सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है, ये देखिए ये कलाकृति देखिए आप, पूरे रूम में
काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया गया है। दोस्तों यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई जब वो किला छोड़कर आई थी तब वो यहीं पर रहा करती थी। और दोस्तों अभी बताते हैं, जब उनके पति जो गंगा राव थे जब उनका देहांत हो गया तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून पारित किया कि जिस साम्राज्य का जो राजा एक्सपायर हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा वो साम्राज्य ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हो जाएगा। तो ये बात जब रानी को पता चला, रानी को उन्होंने बताया और रानी को 60,000 रुपये देने का उन्होंने वो प्रस्ताव भेजा था कि 60,000 रुपये आपको दिया जाएगा, लेकिन रानी ये बात नहीं मानी। उसके बाद उसी बीच जब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके झांसी महल को चारों तरफ से घेर लिया तो उस बीच जो भी लड़ाई हुई और रानी महल से कूद गई थी, तो फिर वो लास्ट में तो इसी महल में आकर रानी बसी थी। जब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हो गया महल, जो झांसी किला है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हो गया, तब वो रानी लक्ष्मीबाई इसी महल में आई थी। तो ये है कुछ इस तरह का यहाँ का नज़ारा। अभी और कुछ भी आपको दिखाते हैं, चलते हैं आगे की तरफ और वीडियो पे बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों जो महल अभी देख रहे हैं आप वो पहले 18वीं सदी में इसी तरह हुआ करता था। ये जो सामने का नज़ारा है ये कभी इस तरह हुआ करता था और ये बाहर का नज़ारा कभी इस तरह हुआ करता था 18वीं शताब्दी में। अभी ये इसका नज़ारा कुछ अलग तरह है। और दोस्तों ये जो है ये झांसी किले पर ब्रिटिश आक्रमण एवं भीषण युद्ध जब हुआ था तो ये सीन उस समय का। और ये रानी द्वारा अपने दत्तक पुत्र के साथ किले को छोड़ना, जब अपने किले को छोड़ रही थी तो कुछ इस तरह का सीन था। तो ये सब बताया गया है। ये यहाँ रानी की समाधि एवं स्मृति स्थल जो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में है ये दिखाया गया है इसमें। और ये है आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट, ये है। और कुछ यहाँ पर है दोस्तों, ये देख सकते हैं। अब ये दिखाते हैं आपको, ये देखिए रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध का एक दृश्य है। और ये सब है, ये आप देख सकते हैं इसकी हालत किस तरह हो गई, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो जब आप झांसी महल से वापस लौटते हैं तो इस किले से होते हुए आप रेलवे जंक्शन तक जाएंगे और यहाँ काफ़ी ऊंचा चढ़ना पड़ता है। ये देख लीजिए काफ़ी ऊंचा चढ़ान है। और ये जो किला था झांसी किला ये पहाड़ों पर बनाया गया है। और हम चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ और चल रहे हैं रेलवे स्टेशन की ओर।